हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल ट्रेड। में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है सबसे पहले हम ये समझेंगे, और उसके बाद पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड फॉर नंबर ऑफ रीजंस, क्यों, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भी जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में ग्लोबलाइजेशन ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड किया होगा, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। सो लेट्स कवर ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज, मार्केट, कल्चर एंड पॉलिसी मेकिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट इज अ मिक्सर, एक तरीके से मैं इसको मिक्सर कह सकता हूँ या फिर इंटीग्रेशन कह सकता हूँ, किसका, इकोनॉमीज का, जहाँ हम नंबर ऑफ कंट्रीज की इकोनॉमीज को काउंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइज है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट, वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड प्रमोटिंग द कल्चर ऑल्सो, हर कंट्री का अपना अलग कल्चर है, और पॉलिसी मेकिंग अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमीज, सोसाइटीज, ठीक है, एंड कल्चर्स हैव बिकम इंटीग्रेटेड थ्रू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड कम्युनिकेशन, इमिग्रेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन की। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल और रीजनल इकोनॉमीज, सोसाइटी एंड कल्चर्स हैव बिकम इंटीग्रेटेड थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क। अब ग्लोबल नेटवर्क के साथ साथ मैं ट्रेड कम्युनिकेशन की भी बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन की भी बात कर रहा हूँ और ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर रहा हूँ। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस जिसको करेक्टराइज किया जाता है बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ सेट ऑफ इकोनॉमिक रूल्स फॉर एंटायर वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, रिडक्शन इन टैरिफ, सोशल वेलफेयर, कम्युनिकेशन, कल्चर, वैल्यू। ठीक है, ये सब ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ऑल दोज प्रोसेस बाय विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या कर दिया हमने, जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी अलग अलग तरीके से वर्ल्ड हैं, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ऑल दोज प्रोसेस बाय विच पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी, जिसको हम ग्लोबल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, जैसे ग्लोबल नेटवर्क होता है। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस। सो इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑन गोइंग प्रोसेस दैट लिंकिंग पीपल, नेबरहुड एंड रीजन कंट्रीज। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट प्रमोट एंड द फैसिलिटेट ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि फ्रीली आप अपने गुड्स को मूव कर सकते हो वन कंट्री से अनदर कंट्री के बीच में। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू दोज प्रोसेस इन विच पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी, जहां हम लोगों को सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी में इंक्लूड करके चल रहे हैं। फिर उसके लिए हम एक ग्लोबल पॉलिसी बनाते हैं और उसके हिसाब से फिर बिजनेस को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उतना इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा, फॉरेन ट्रेड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, लीड करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड में यही कहा जाता है
कि भी अगर आप फ्रीली मूव गुड्स को मूव कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप फ्रीली इंटरनेशनल बिजनेस को कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे बैरियर्स होते थे, लेकिन आज के टाइम में सब बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। फ्री हो कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को मूव कर सकते हो वन कंट्री से अनदर कंट्री, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन की पेस क्यों इंक्रीज हुई, कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया। तो उसमें फर्स्ट है डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हर कंट्री इस चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एवरी कंट्री वॉन्ट टू इंक्रीज मॉडर्नाइज एंड अपडेट देयर टेक्नोलॉजी, सो दे कैन इम्प्रूव इन द बेटर एंड इफेक्टिव वे, प्रोड्यूस प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकें, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन को लीड किया गया और ग्लोबलाइजेशन की रेस को बढ़ा, स्पीड को बढ़ाया गया, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और, ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा। क्यों? जब दो कंट्रीज आपस में बिजनेस करती हैं तो जब तक उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक वो बिजनेस को प्रोसीड नहीं कर सकते। और एवरी टाइम कंट्रीज हमेशा फ्री भी नहीं है कि भी वो फेस टू फेस मीटिंग कंडक्ट कर सके। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बिजनेस पर्पस को और ज़्यादा ईजी बना दिया है, ठीक है, और आप इजीली अपने ही कंट्री में बैठ के अपनी बिजनेस से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को प्रोसीड कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। सो द इंटरनेट हैज़ इनेबल फास्ट 24/7 ग्लोबल कम्युनिकेशन, यूज ऑफ द कंटेनराइजेशन, ठीक है, हैव इनेबल वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज टू बी द शिफ्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एट अ एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। अब क्या है, आप अपने बिजनेस को 24/7 टाइम रन कर सकते हो, एंड इट इज़ हैपन ड्यू टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल नेटवर्क। 24/7 यू कैन रन यूर बिजनेस, इवन यू आर स्लीपिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, यूर बिजनेस इज रनिंग, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इससे क्या हुआ है, अब जैसे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूँ, पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस होती थी जो रिटन फॉर्म में होती थी, लेकिन आज के टाइम में आपको कहाँ से कंटेनर मंगाना है, किस तरीके से उसकी लोडिंग, कहाँ फाइनल डेस्टिनेशन तक, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की सर्विस अवेल करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, ठीक है। सो इंक्रीजिंग कैपिटल मोबिलिटी हैज ऑल्सो एक्टेड एज अ स्टिमुलस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कैपिटल मोबिलिटी, कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आप जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आप और ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो इंक्रीजिंग कैपिटल मोबिलिटी, आप कैपिटल मोबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, सो यू हैव टू फॉलो द ग्लोबलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज डेरिवेटिव्स, आप डेरिवेटिव्स को डेवलप करना चाहते हो। ट्रेड हैज बिकम इंक्रीजिंगली फ्री, ट्रेड को फ्री करने के लिए आप ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और उसी के साथ साथ ग्रोथ ऑफ MNC जो कि अपने आप में मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, तो उसके लिए आपको ग्लोबलाइजेशन करना होगा भाई, ठीक है। अभी आप अपनी एक सिंगल फर्म चला रहे हो, आज आने वाले टाइम में आपकी अलग अलग कंट्रीज में आपकी फर्म चल रही होंगी और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रही होंगी, तो इससे MNC बढ़ेंगी। ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ेंगी, और जितनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी उतनी अलग और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है। राइज इन सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल ब्रांड बढ़ेंगे और कंपनीज बढ़ेंगी, ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, सोनी है। अब क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ये भी देख लीजिए, एक तरीके से पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर कंट्रीज टू स्पेशलाइज, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर कंट्रीज टू स्पेशलाइज, जो स्पेशलाइज कंट्री है उनको इंसेंटिव मिलता है। इंक्रीज डिमांड इन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ती है आपके प्रोडक्ट की, जो भी आप प्रोडक्ट वहाँ पे स्टैंड कर रहे हो।
वर्ल्ड वाइड एसेस टू सोर्स चीप रॉ मटेरियल, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ रेगुलेशन ट्रेड, नेमली फोकस गिवन टू लोकल लोअर डेवलप कंट्रीज, लोअर डेवलप कंट्रीज पे और ज्यादा ध्यान दिया गया, इंक्रीज द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज, शेयरिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करता है. जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल नेट पे होती है. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि भी ओवर स्पेशलाइजेशन, ओवर स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, लार्ज एमएनसी सफर फ्रॉम द डिस इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, पोटेंशियल लॉस ऑफ द जॉब इन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में जॉब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अराइज होने लगती हैं. जितना इस तरीके से जैसे जैसे ग्लोबल प्रैक्टिस बढ़ेंगी तो ओवर प्रैक्टिस जब हो जाती है तो उनको सुपरवाइज करना भी अपने आप में एक टिपिकल टास्क है. तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी फॉलो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो भी स्ट्रक्चरल चेंज, जॉब लॉस्ट, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं. जैसे आप बार बार नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, लोगों की जॉब क्या हो जाएगी, कम होगी. तो स्ट्रक्चरल चेंज, जॉब लॉस्ट, जनरेट विनर्स लूजर्स, इंक्रीज इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसपे हमने डिस्कशन किया ग्लोबलाइजेशन को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ. ये टॉपिक यहीं पे मैं फिनिश कर देता हूँ. इजी सा टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू.